तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। जितने मुझसे बड़े सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और जितने मुझसे छोटे सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है तरुण। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। हम एकदम मस्त हैं। तो आप लोग सोच रहे हो आज मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो भी बिना बैग के, क्योंकि हमेशा मैं आपको बैग के साथ दिखता हूँ। तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। असल में आज भी मैं जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, पर आज मतलब वैसा कुछ नहीं है सीन, दूसरी रजिस्ट्रेशन करना है। इसलिए मेरी सांसें फूल रही, बहुत पता नहीं क्यों। तो रजिस्ट्रेशन करना है इसलिए तो सिर्फ मैं बिना बैग के जा रहा हूँ। और पता नहीं, सुबह से तो मौसम ठीक था थोड़ा बहुत, मतलब धूप इतनी नहीं थी, और पता नहीं अचानक धूप कहाँ से आ गई। मौसम ठंडा था सुबह से। खैर कोई बात नहीं, हमें क्या, हम निकल लेते फटाफट। अभी तो सुबह के बज रहे हैं 9:30, तो अब ठीक है मौसम थोड़ा बहुत। इतना भी नहीं है धूप, क्योंकि बाकी दिन में जाता था तो बाकी और दिन में मैं जाता था, दिन के टाइम में तो बहुत धूप होती थी, है ना। तो चलते फटाफट से, और ज़्यादा कुछ नहीं तो रजिस्ट्रेशन करा के आना है, बस कुछ नहीं। ठीक है, वो गाड़ी का नंबर दिख रहा है, उस गाड़ी का नंबर देखो 8377, और हमने एक ओला बुक करी अभी, उसका 7738। मतलब देख सकते हो कितना इत्तेफाक हो सकता है, 7738 और 8377। वाह, क्या इत्तेफाक है। हमें लगा वो है, लेकिन वो नहीं थी, उधर है वो, उधर 7738 वहाँ खड़ी है कार के पीछे, ब्राउन वाली। The next day. तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग तो स्टार्ट हो ही चुका है, ऐसे ही पार्ट बना रहा हूँ मैं बस, जब जब टाइम मिल रहा है तो क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जितने मुझसे बड़े सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और जितने मुझसे छोटे सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है तरुण। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, हम एकदम मस्त हैं। यार मुझे बताना कि जहाँ जहाँ से आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हो वहाँ मौसम कैसा है, क्योंकि अभी बज रहे दिन के 12:15 हो रहे होंगे लगभग, और इतनी तेज़ धूप लगी हुई है, इतनी तेज़, भाई साहब हालत ख़राब हो रही, सर दर्द हो रहा है इतनी तेज़ धूप में। तो ये देखो भाई, खतरनाक एकदम तेज़ धूप लगी हुई है। आज क्या शायद ग्रे डे है क्या, मैंने ग्रे पहना है ऊपर से चला, ग्रे। देखो ग्रे, ये भी ग्रे, वो भी ग्रे, ऐसी पहन लिया, पता नहीं चला, अब पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें क्या है। खैर मैं बताता हूँ, धूप बहुत तेज़ हो रही है दिल्ली में तो, बहुत ज़्यादा भाई साहब, 8 बजे इतनी तेज़ हो जाती है, अभी तो फिर भी 12 बजे तो कितनी ज़्यादा होगी सोचना। पूरा धूप इतनी भाई, जहाँ पेड़ है तो वहाँ मस्त लग रहा है सीन, थोड़ा छाव लग रहा है, बाकी और साइड में बहुत तेज़ धूप लग रही है। और मतलब फ़ोन, अब देखो मैंने इतनी सी जितनी अभी भी जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई ना, उतनी रिकॉर्डिंग में फ़ोन एकदम हीट हो चुका है, इतनी गर्मी हो रही है। चलो कोई नहीं, मिलते हैं आपसे। हाँ मैं बता रहा था, मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिकल देने। आज मेरा फिलहाल आगे भी बहुत सारे प्रैक्टिकल है, लेकिन आज फाइनल प्रैक्टिकल है एक सब्जेक्ट का, तो वो दे लेते हैं हम, वो फाइनल प्रैक्टिकल दे के आ जाएंगे। उसके बाद फिर अब जून में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ कॉलेज प्रैक्टिकल देने के लिए, ठीक है, आपसे मिलता हूँ रास्ते में। तो गाइस मेरा प्रैक्टिकल हो चुका है, मैं प्रैक्टिकल देख के अभी भी आया, ठीक है, मेरा वाई वगैरह हो गया, मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं दोस्त का वेट कर रहा हूँ, तो वो भी आएगा। बाकी अचानक मौसम जो है बहुत प्यारा हो चुका है, पता नहीं कैसे बादल लग गए साइड में, और मौसम काफ़ी प्यारा हो गया, हल्की सी धूप आ रही है बस, शायद बारिश का मौसम हो सकता है। और मेरा हो गया प्रैक्टिकल, तो मैं प्रैक्टिकल देख के भी बाहर खड़ा हूँ, अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ, वो आएगा तो उसके बाद हम चलेंगे घर की ओर, 5 बजे अभी शाम के, ठीक है। तो गाइस ऑलमोस्ट जो है 10-15 मिनट से ज़्यादा मुझे हो चुके हैं, और अभी तक मतलब बाकी बच्चों को फ्री नहीं किया, अपने दोस्त का वेट करो, अगर वो आएगा उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। तो गाइस मौसम देखो एक बार, मौसम चक्कर काफ़ी प्यारा हो रखा है ना, बादल आ गए और मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। वैसे बहुत ज़्यादा धूप थी इस साइड, पूरा बादल ही बादल छा रखे हैं, लगता है बारिश वगैरह का सीन है, तो सूरज तो ढक चुका है। और बात रही हमारी प्रैक्टिकल की, तो आ गया मेरा दोस्त भी, और मैं और प्रत्यक्ष जो है अब घर की ओर निकलेंगे, ठीक है। क्या बोला तूने? ठीक है, खेल ले। तो मैं और प्रदेश घर की ओर निकलेंगे अब, ठीक है,
से वॉइस ओवर कर दिया जाएगा, मेरी आवाज़ को दबाया जाएगा, मैं मेरी आवाज़ उठाएगा अपने लिए। नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, बस धूप आते हुए धूप बहुत तेज थी, अब जाते हुए थोड़ा छाव है तो अच्छा लग रहा है बस। और उनके 5 सब्सक्राइबर्स की दुआ करते हैं, दरख्वास्त करता हूँ। तो गाइस अभी जहाँ पे मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ ना, तो वहाँ पे एक आपको वो दिख रहा होगा शोरूम BBT का, बिग बॉय टॉयज। तो यहाँ पे से ना एक आपने वो क्रेजी XYZ जो अमित भाई हमारे, तो उनकी एक वीडियो थी, तो वो वहाँ पे क्या कहते हैं दिख रही, तो उसमें उन्होंने कार ली थी 10 रुपये का पेट्रोल, आप सर्च करोगे तो दिख जाएगा। तो वो लैम्बोर्गिनी या पता नहीं कौन सी थी, तो वो उन्होंने इस वाले शोरूम से निकाली थी, छत वाला उस पर वो आएगा लोगो देखना BBT का, चेक करना आपको दिख जाएगा, है ना प्रत्यक्ष, क्या कहोगे तुम इस बारे में? तो गाइस देखो टिप्पू जा रही है स्कूल, तो भाई बोल। और धूप एकदम मस्त प्यारी सी, बड़े 10 अभी तक क्लास में हूं, फोन कहां से मिल गया? तो वहां पे स्कूल बस खड़ी है, यहां पे जाएगी टिप्पू। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी सिर्फ मैं टिप्पू और कंचुई घर पे हैं, बाकी मम्मी पापा और गोलू गांव चले गए। गोलू तो उसके स्कूल क्लास शुरू हो गए थे, मतलब स्कूल कह रहा हूँ, गोलू के कॉलेज स्टार्ट हो गए थे इसलिए वो चला गया है, और मम्मी पापा कुछ काम से गए गांव, और मैं टिप्पू और कंचुई घर पे। टिप्पू को हमने स्कूल कर तैयार करके स्कूल भेज दिया, भगा दिया, चल भाई यहाँ से ऐसे ही थोड़ा बहुत अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ यार। हेलो, स्कूल जा रहा है? छुट्टी कब से पड़ेंगे तुम्हारी? 15 जून। इतनी देर? अच्छा एक्स्ट्रा क्लास चल रही होंगी, ठीक है ठीक है। आप भी पढ़ो ना इसमें क्या? 2000 years later। तो गाइस मैं आप लोगों को एक बता दूं एक बात की ना, अभी पापा लोग पापा मम्मी और आ चुके हैं, वो कहीं जा रखे थे, मतलब गांव जा रखे थे। और ये देखो ये क्या है, ये है हमारा उत्तराखंड का फेवरेट फ्रूट कह सकते हैं इसको, या हाँ फल, फल तो है फ्रूट नहीं फल, तो ये है काफल, इसको हम काफल के नाम से जानते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है ये, और ये उत्तराखंड में बहुत फेमस है और ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है, तो हाँ जंगलों में मिलते हैं पहाड़ में, इसको हम काफल कहते हैं। ये काफ़ी खट्टे मीठे और मीठे भी होते हैं और काफ़ी टेस्टी होते हैं, ठीक है। और सच बताऊँ तो मैंने ना लगभग कितने लगभग मुश्किल, मैं अपना बता रहा हूँ, तो मैंने काफल लगभग 6-7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आई थिंक 7-8 साल से ज़्यादा हो चुके होंगे, इससे भी ज़्यादा हो चुके होंगे, मैंने काफल नहीं चखे थे क्योंकि ये ठंडे इलाके में होते हैं, ठीक है, तो हमारे इलाका तो थोड़ा गर्म है तो वहाँ नहीं होते। Guys, बाकी ये बहुत टेस्टी रहा है ना टिप्पू, क्या कहिए? मैंने पहली बार खाया, बहुत टेस्टी। हाँ सच बोलो तो टिप्पू ने तो पहली बार खाया, क्योंकि टिप्पू ने लगभग मेरे ख्याल से जब तृप्ति हुई इसने, जब हमने मैंने मुझे इतना टाइम हो गया खाए हुए, तो टिप्पू को तो हो ही गया, हमारे इधर बहुत कम मिलती है ना, तो इसलिए ठंडे इलाकों से ज़्यादा, मतलब ठंडे इलाकों में ज़्यादा मिलते हैं ये। तो अब मैं टेस्ट करूँगा इसको, और तृप्ति ने पहली बार चखा तो उसको भी काफ़ी अच्छा लगा ना टिप्पू, तो मैंने मुझे तो बहुत साल हो गए थे खाए हुए, तो मैं भी चखूँगा, इनको बहुत टेस्टी होती है, आप भी खाओ। तो गाइज अभी मैं खा रहा हूँ काफल, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं लगभग, मैंने जैसे बताया था कि मैं मुझे काफल खाए हुए लगभग 9-10 साल के आसपास हो गए, मतलब मैं लास्ट टाइम कब खाया था मैं बता रहा हूँ, तो मेरे मामा जी की शादी थी, ठीक है, और हम गए थे बारात लेकर पौड़ी, वहाँ 8 या 9 साल हो गए शायद उस चीज़ को, 10 साल भी नहीं, 8 या 9 साल। तो वहाँ जो हाइट वाला एरिया है, तो मैं कह रहा था ज़्यादातर ठंडे इलाके में और हाइट वाले एरिया में ही काफल होता है, तब हमने बीच में कहीं गाड़ी रुकी थी, छोटे था मैं उस वक्त, 8th में था मुझे याद नहीं है, तो हमने फिर पेड़ में तोड़ के खाए थे, वो मेरा वो था पहला काफल भी पहली बार उस वक्त खाया था मैंने, और एक हिस्सा करके होता है येलो येलो, वो भी मैंने उस वक्त पहली बार खाया था, ठीक है, और अब इतने सालों बाद मैं दोबारा खा रहा हूँ। ये देखो इस पर नमक डाल के खाएंगे हम, काफल इस फ्रूट का नाम है, उत्तराखंड में मिलता है ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में आई थिंक। और तृप्ति तो छोटी है अभी, तो तृप्ति मतलब तृप्ति अभी 6th में है, तो इस साल उसने तो पहली बार ही खाया लाइफ में, लेकिन मुझे ऐसे खाने में नहीं, खुद पेड़ से तोड़ के खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन फिर भी चलो ऐसा ट्राई कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा खास होता नहीं इसमें, लेकिन बस कह सकते हैं सबकी चाहत है इसको खाना। और इस और काफल में ना जो मतलब ये ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे ये है मान लो ग्रीन कलर का ये वाला, तो ये कच्चे होते हैं और एक खट्टे होते हैं, और जैसे मान लो ये डार्क वाले हैं रेड कलर के, तो ये डार्क रेड कलर के जो हैं ये मीठे होते हैं इसमें, है ना, बाकी ये भी नमक है ही, पर हम इसको मिला सकते हैं, काला नमक है, दोनों ही काला नमक है, हम इनको मिला सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ स्पेशल नमक है शायद। और गाइस एक ना ये क्या कहते हैं
नमक है जख्या का, ये भी पहाड़ी कोई वो है मेरे ख्याल से, लिखा होगा इसमें पहाड़ी पीसी नून। नून तो लून होता है, मतलब नमक हमारे यहाँ गढ़वाली में लून कहा जाता है, पहाड़ी में जो है ना हमारे यहाँ पहाड़ी में लून कहा जाता है शायद हमारे यहाँ, मतलब हम तो गढ़वाली में लून कहते हैं, मतलब ना की जगह ला आ जाता है बस, तो ये लून हो जाता है नमक। बाकी पहाड़ी पीसा हुआ नमक है जख्या का, तो इसको भी मिलाते हैं हम इस पर। ये मौसी ने भेजा है कल हमारे लिए, मतलब बहुत सी चीज़ें भेजी थी उसमें से ये है, और एक इसको मिलाते हैं इस पर, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। उसके बाद हम चखेंगे इसको, मस्त तरीके से खाएंगे। तो जैसे मैंने बताया जो ये डार्क रेड वाले हैं तो ये जो है ये मीठे होते हैं, और जो ये ग्रीन वाले हैं ये कच्चे होते हैं, ये वाले जैसे मान लो ये रहा तो कच्चा है, ठीक है। हाँ तो गाइज मैं आपको एक बार बताता हूँ कि आज का शाउट आउट जाता है हाँ यार शाउट आउट क्या होता है लेकिन हाँ आपको बताता हूँ कि आज का शाउट आउट जाता है शिवप्रिया मौसी को, हम उनको प्यार से लाडू मौसी बुलाते हैं, तो क्योंकि जख्या का नमक देने के लिए। और दूसरा वो याद है दादा हमारे मामा को, कि मेरे से वो याद दादा होगी जो मैंने काफल पहली बार खाया था मामा जी की शादी में, ठीक है। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को शॉर्ट आउट जा चुका है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों का नाम ब्लॉग में ले लिया मैंने बस, ठीक है। और हाँ मैं आप लोगों को एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे 400 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो प्लीज़ 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 बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो और इस 400 को 1K तक पहुँचा दो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, लाइक आप लोग नहीं करते हो क्योंकि मेरे वीडियोस में व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे। देखो लाइक करने से किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने मेरी वीडियोस पे लाइक किया, अगर आप लोग प्राइवेसी चाहते हो अपनी तो कमेंट करोगे तो हाँ शायद आपकी आईडी से कमेंट आएगा तो पता चलेगा, लेकिन उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है यार, कौन सा आपके ऊपर कोई केस होने वाला है। तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर करो वीडियो के रिगार्डिंग, जो भी आपको वीडियो में अच्छा लगता है बुरा लगता है आप उसमें कमेंट कर सकते हो अपनी, और आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको पसंद आती है तो। लाइक करने से किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने लाइक किया है वीडियो को नहीं किया, जो भी मुझे तक भी नहीं पता चलेगा इसलिए। और ज़्यादा से शेयर करो आप मेरे वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। One eternity later. तो गाइस देखो भैया, अरे भैया बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं भैया, और ये बने, ये है हमारा फ्यूचर, नेक्स्ट फ्यूचर आईपीएल के प्रैक्टिस करा रहे हैं इनको, कैच प्रैक्टिस। अरे वाह लड़को पकड़ तो रहे हैं बच्चे यार, कैच सही है। वहाँ देख रहे हो कैसा फिसला हुआ लड़का, बहुत स्टंट दिखाता है ये लड़का, बहुत ज़्यादा स्टंट दिखाता है साइकिल चला चला कर। भाई एक परसों एक लड़का गिरा था तो उसकी चोट लगी थी, सर में से खून निकलने लग गया, उसको तो हॉस्पिटल वगैरह भेजा हमने, अब इसके और लग गई, चल कैसे रहा है देखो। नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं इनको जाके चेक करने की कैसे लगी क्या लग गया, भाई इनको मना कर दिया कि मत चलाओ साइकिल, स्टंट मत मारो, ड्रिफ्ट मार रहे साइकिल से भाई लगेगी। वो देखो चाल देखो उसकी, अब मैं उसको जाके समझाता हूँ, ठीक है। तो तीन तीन चांस हर टीम को मिल रहे, भैया ने दो दो टीम बना रखी है यहाँ पे, जो बंदे आके तीन से ज़्यादा बार कैच कर रहे वो क्वालिफाई हो रही है। अपना एफर्ट दिखा रहे, देखो ये देखो भाई साहब देख रहे हो। तो गाइस यहाँ पे बच्चों के हमने टीम बटवाई तीन टीम, और मैं यहाँ पे अंपायरिंग कर रहा हूँ, भैया भी पीछे यहाँ पे अंपायरिंग कर रहे हैं, हम टीम बना के इनका मस्त वाला मैच करा रहे हैं तीन टीम का। वो टीम अभी हार चुकी है उधर बैठी है, अब इन दोनों के बीच में हो रहा है मैच, ठीक है। आपको मैं थोड़ा बहुत क्लिप्स दिखाता हूँ, उसके बाद फाइनल मैच होगा। आजा आजा साइकिल चला रहा है, नो बॉल दो भाई, आजा चल बॉलिंग करा। तो यक्ष बॉलिंग करा रहा है, ठीक है, बैट्समैन सामने हमारा, चलो भाई पहली बॉल, वाइड बॉल है भाई, वाइड बॉल है, ठीक है भाई दूसरी बॉल डाल, चलो नहीं भाग रहा, एक बॉल एक रन भाई, ठीक है बिल्कुल भाई बिल्कुल, वाइड बॉल वाइड बॉल, एक बॉल दो रन, नूर और चार रन की और संभावना है, नौ हो गया भाई, देख रहे हो गाइस कंटेंट कैसे बनाना पड़ता है। आठ रन हो गए, चार बॉल, देखना देखना, पांच बॉल आठ रन,
यूट्यूब पे देखेगा, पता है कहाँ देखियो? यूट्यूब पे चैनल सर्च करियो तरुण यूके व्लॉग्स, ठीक है वहाँ मिल जाएगा तेरे को। चल भाई तरुण यूके व्लॉग सर्च करना, वहाँ मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा गेम प्ले। आउट है भाई, आउट है, पीछे की आउट बोली थी इसलिए पीछे आउट है, ठीक है। नेक्स्ट बैट्समैन ब्रो, ओवर है, तू जाएगा बैटिंग पे। तेरा नाम क्या है? नूर। तो नूर बॉलर है अब हमारा, देखते हैं कैसे डालता है, अभी तक सब वाइट फेंक रहे थे। सुन, तेरे को अगर ये वीडियो देखने जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझ रहे ना क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ। तेरे को अगर ये वीडियो देखने जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यूट्यूब पर सर्च करना तरुण यूके व्लॉग्स, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी, कल कल मिल जाएगा तेरे को वीडियो, सब्सक्राइब कर देना मिल जाएगा। सही बॉल डाल रहा है, क्या हो गया? आएगा अभी तो, दूसरा काम हो, पहले तो अभी दूसरा चल रहा है अभी। बहुत बढ़िया लड़के, मारना विकेट, मार विकेट मार, आराम से आजा, आराम से आजा, आराम से आजा। आउट है, आउट है, रनर आउट है, उसने क्रीज नहीं छोड़ी, आउट है। नहीं वो तो आउट हो रखा है रनर। कौन? और जो अभी भागा वो आउट है। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वहाँ मिल जाएगा तुम्हें वीडियो, ठीक है तू भी भाई। अरे अरे चार, लो भैया बॉल पीछे, मेरे ऊपर से मार दी उन्होंने तो। भाई लड़के का शॉट नहीं पकड़ा इसने, अरे यार क्या हुआ कर। 11 रन हो गए तुम्हारे, नहीं भैया बच्चों के मगे मत लो, लास्ट बोले बॉल ओवर हो गया, तो वाइट फेंकी थी। टोटल गाइस 5 प्लेयर है और 5 में 4 तो बॉल के पीछे भाग गए। कितने भागे? 2 भागे, ठीक है। तुम्हारे हो गए 19, एक नो बॉल का 20। नो बॉल मैंने दी नहीं, मैं अंपायर हूँ। भाई साहब क्या मार रहा है लड़का यार, लंबे लंबे एकदम, उनके हिसाब से, उनके एज के हिसाब से लंबे मार रहे हैं, उनकी एज के हिसाब से तो लंबे मार ही रहा है भाई। लास्ट किसी बॉल बची है, कहाँ गया? अरे क्या छोड़ दिया रे, पहुंच गया पहुंच गया। चल भाई डाल, लास्ट ओवर इसके बाद। तो भाई लोग इनके 25 रन हो चुके हैं, मैंने 25 का, ये कह रहा है 35, 35। अरे लास्ट ओवर तो डाल रहे हैं, चल डाल, तू बहुत अच्छा ओवर डालता है लड़के। बॉल है भाई, बॉल है, क्या वो उधर बास्केटबॉल चल रहा है, उधर भी बास्केटबॉल चल रहा है, उधर ओपन जिम चल रहा है, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं आज। आज हमने बेस्ट मैच चलाया इनका, एकदम टीम बैठ बैठ के वरना लड़ते रहते थे भाई, है ना, दिख रहा है, मस्त दिख रहा है ना। हाँ हाँ अभी तुम्हारा फाइनल होगा ना, डालो भाई बॉलर। तो कहाँ गए इधरा बैट्समैन भाई, इधरा भाई, इन लोगों के ओवर 30 रन है ना, 30 30 का टारगेट दिया उन्होंने, उन्हें चाहिए 30। तो इस टीम के 29 रन है और दूसरी टीम को बनाने 30 रन बैटिंग वाले को। भाई भाई लोगों अपनी वीडियो देखनी है अगर यूट्यूब पे तो यूट्यूब पर सर्च करना तरुण यूके व्लॉग्स, यूके व्लॉग यूट्यूब पर सर्च करना तरुण यूके व्लॉग्स और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुम्हें अपनी वीडियो जरूर दिखेगी। चलो भाई पहली बॉल, बोल बोल, अरे मुंह पे लग गई रे, वाइड थी पर से मुंह पे लग रहा, अरे लग जाओ फील्डिंग करो बे। चल तीसरी बॉल डाल, तीन ही हुए अभी तो, तीन
बस 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 खाओगे क्या आज? अरे आउट है क्या भैया? भैया नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ आउट नहीं हुआ। मेन मेन सीन दिखाऊंगा, बेस्ट सीन, लास्ट वाले, लास्ट वाले। हाँ अरे कोई नहीं, कोई नहीं, बात कर रहा हूँ। तू खेल, तू करा, तू करा करा, तू आउट हो जाएगा, क्या कर रहा है? चल डाल डाल, लास्ट बॉल डाल। आउट है भाई, आउट है। पीछे गई बॉल, आउट है। पीछे जाने की आउट थी भाई, आउट है ना? ये पीछे गई, आउट है। हाँ तो गाइज फाइनल था इनके बीच में, हिट विकेट हो गया, आउट है भाई। वो दो ओवर का मैच है, दो प्लेयर जा चुके हैं, बहुत बड़े ओवर है, लास्ट ओवर है तेरी, ठीक है निकाल। चलो भाई डाल डाल डाल, जीरो रन है अभी तक इनके, जीरो डाल, लास्ट ओवर है, जीरो रन है। अरे कब देगा, रात हो गई इसकी। डाल डाल डालो, डालो डाल, एक 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 चल पहुंच गया, पहुंच गया। अरे नहीं रख दिया सस्पेंस, वैसे वैसे ना भाई लाइन ये रही, ठीक है मैंने कहा था पत्थर के आगे रखना। चल चल डाल, अरे नहीं वो पत्थर छोटा कर रखा है, वैसे पत्थर हमने लास्ट बॉल, वो पता नहीं यार, देखो कहेंगे तो जाने के लिए, तू जाएगा तो ऑल टीम आउट, ऑल टीम आउट हो जाएगी, फिर तो बात ही नहीं बनती कुछ। लास्ट बॉल है, लास्ट तीन तो है इनके, तीन हो गए बस, दो ओवर में तीन रन, तुम जीत जाओगे रन, एक बॉल में छक्का मारना बस। लाल आउट है भाई, आउट है, पीछे से थ्री विकेट छोड़ रखे उससे, आउट हो गया बेचारा। चलो भाई ये वीडियो देख लेना, ठीक है कल यूट्यूब पे, ऐसे नहीं यूट्यूब पे, चल भाई। तो इस टीम ने दिए कितने, पांच रन चाहिए, पांच रन का टारगेट, मारो भाई पांच रन आराम से मारो भाई, जल्दी करा, फास्ट मत करिए, नो बॉल है भाई, नो बॉल, इसको कहा था पीछे से कराओ। अरे कब मारेगा भाई, नो बॉल है, ठीक है आराम से पीछे से डाल ले इस पत्थर के, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उधर, एक बॉल, कुछ बोल, क्या बोलेगा, कुछ बोल, अरे नहीं बोल सकता ना, वैसे तेरी बैटिंग थी ना अभी, ये प्लेयर है किसी काम की नहीं है लेकिन बहुत मेहनती बहुत है, हाँ और बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, जिस दिन पेट कम हो जाएगा बहुत बढ़िया बैटिंग बनेंगे, बनेंगे तो नुबड़ा था, नुबड़ा है, नुबड़ा रहेगा। चलो भाई मैच में जान देते हैं, अरे ये तो बंदा ना मेरे घर पे घुसता है, चलो भाई चल डाल। अरे भाई देखना कोई नहीं है यहाँ पे, अपन के वीडियो जीत जाए, तू भी बोल रहा कुछ, मैं बोल रहा हूँ जीतना, चलो चलो रुको, उसके बाद मेरी है, हम जीतने वाले हैं, मैं हूँ प्रो बंदा दुनिया का, भैया ने बोला कि मैं, अरे भाई चौका मार दे, जीत गए भाई, शाबाश, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए, चौका जीत गए, चलो चलो बहुत बढ़िया, तू तो जिस टीम में हार गई हो टीम, कौन सी टीम जीती भाई, जीती हुई टीम का है यार, वो जीत गए पहले क्या कर सकते हैं, अरे साला चल, अरे चुप चुप, आउट है, आउट है, आउट है भाई, हो गया ना, और कोई खेल रहा है कंटेंट, अरे खेल दुनिया बढ़ जा, घास ये देखो कंटेंट की कमी होते हुए, कंटेंट की कमी तो ऐसे, जब गाइस कंटेंट की कमी तो यही करता हूँ मैं, खेल
जिसको चाहिए लेके आओ। मान मेरा वीडियो वायरल हो गया। अब तो तू वायरल होगा। खेल 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 छोटे आउट है। चलो आउट है। चलो चलो आउट है। अगला अगला नेक्स्ट। फोन आ रहा है। फोन आ रहा है तरुण भैया। किसका?